हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। टुडे वी विल लर्न द मॉडल कुड। कुड मॉडल के ऊपर हम करेंगे आज कि कुड मॉडल को कहाँ यूज किया जाता है, किन कंडीशंस के अंदर उनका यूज होता है मॉडल कुड का। मॉडल कुड याद रखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था मॉडल कैन का यूज। कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट में आपको कौन सा काम करना आता आप हमेशा मॉडल कैन से बताते हैं, लेकिन पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे और उस काम को आज की डेट में आप नहीं कर सकते हो। मीन्स पास्ट में ऐसा काम जो आप कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट के अंदर उसे नहीं कर सकते हो, वो मॉडल हमेशा कुड से बताया जाता है। या ऐसा काम जो पास्ट में आप नहीं कर सके थे किसी वजह से, उसके लिए भी आप मॉडल हमेशा कुड का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, मॉडल कुड का यूज आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, उस कंडीशन में प्रेजेंट टेंस के अंदर उसका यूज किया जाता है। मीन्स मॉडल कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंडीशंस के अंदर यूज होता है। मॉडल कुड इज यूज टू शो अबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड पावर इन द पास्ट। पास्ट के अंदर क्या काम आप कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वो आप हमेशा मॉडल कुड से बता सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हैं जिससे और ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। हम उन एग्जांपल्स को करते हैं। मैं बचपन में तेज़ दौड़ सकता था। दोस्तों मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ कि मैं बचपन में तेज़ दौड़ सकता था, मीन्स मैं आज की डेट में तेज़ नहीं दौड़ सकता हूँ। मीन्स ऐसा काम जो मैं पास्ट में कर सकता था अब नहीं कर सकता हूँ, वो मॉडल कुड से आएगा। पैटर्न ट्रांसलेशन का सेम रहेगा। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए, वर्ब है दौड़ना। सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन दौड़ सकता था, मैं, बचपन में तेज। ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एक टाइम बता रहा है, एक मैनर बता रहा है कि आप कैसे दौड़ सकते थे। तो वहाँ पर टाइम ऑफ एडवर्ब एंड टाइम ऑफ सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर्स आएंगे वहाँ पर। तो जब हम इस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ द्वारा नहीं लगा हुआ। ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा। देखिए, हमने जब स्टार्टिंग की थी, जब मॉडल आपने कैन किया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मुलेशन क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल आप लगाएंगे, यहाँ पर मॉडल कुड का यूज होना है। कुड रन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आई कुड रन फास्ट इन द चाइल्डहुड। दोस्तों पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। रीजन क्या है कि मॉडल के साथ किसी भी कंडीशन में वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। मॉडल के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर आई कुड रन फास्ट इन द चाइल्डहुड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह इलनेस के कारण मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। मतलब कोई काम आप पास्ट में नहीं कर सके थे, या आप कोई काम पहले कर सकते थे आज की डेट में नहीं कर सकते, उसके लिए मॉडल कुड का यूज किया जाता है। जब इस सेंटेंस को बताएंगे, वह इनलेस के कारण, वह सब्जेक्ट है और वर्ब है अटेंड करना, मीटिंग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ द्वारा नहीं लगा, तो ये पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस है। और इस सेंटेंस के अंदर इनलेस के कारण ये एक्स्ट्रा पार्ट को इंडिकेट करेगा। इफ वी विल सी ड्यू टू इनलेस, इनलेस के कारण वह ही के बाद मॉडल कुड नेगेटिव है, नोट आएगा। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर अटेंड का यूज किया है, फिर ऑब्जेक्ट। ड्यू टू इनलेस ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे, या क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे। दोस्तों आप इमेजिनेशन कीजिए, यू आर समवेयर इन द मॉल, आपने ढेर सारी शॉपिंग की है, आपके दोनों हाथ में पॉली बैग है, यू आर नॉट एबल टू ओपन द डोर, आप दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं। तो आपके बगल में कोई अननोन खड़ा है, अननोन को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई काम कर दे। व्हेन यू आस्क समबडी टू डू समथिंग, इफ यू रियली वांट टू शो पोलाइटनेस, बड़ा पोलाइटली आप उसको कह रहे हैं, तो आप हमेशा सेंटेंस को कुड से शुरू कीजिए, कुड यू से। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए कुड को बाहर लाए हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। दोस्तों मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए कुड को, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा पार्ट। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए वो इस काम को कर दे, आप हमेशा कुड लगाइए। जब आप कैन से भी बोल सकते हैं, लेकिन कैन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली होता है, वो फ्रेंड्स के लिए या फिर आपके आपसे छोटे हैं कोई, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मॉडल कुड का यूज़ करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट दीजिए। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।